स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रसोई की रौनक में। आज हम बनाएंगे मेथी के बहुत ही क्रिस्पी, करारे, खस्ता मेथी के पकौड़े, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे मेथी। तो ये मैंने 200 ग्राम मेथी ले ली है। इसे मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। इसे बारीक काट ले, पत्ते पत्ते ही ले, डंठल ना ले, इस तरह से कट कर ले। मैंने इन्हें धोकर काट लिया है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने मेथी को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पर आधा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। नमक और नींबू का रस डालने से मेथी कड़वी नहीं लगेंगी और इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, जिसमें मैं 3 हरी मिर्चें डाल दूंगी। एक टुकड़ा अदरक को मैंने कट करके ले लिया है। 5 मैंने लहसुन की कलियां ले ली है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच हम यहाँ पर जीरा लेंगे। 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे। 1 चम्मच सौंफ लेंगे। इन सबको हम बिना पानी के सूखा ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। हमें इसे बहुत ज्यादा फाइन नहीं पीसना है, हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, जिसमें मैं इस तरह से 1 कप बेसन डाल दूंगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा बैटर रेडी कर लेंगे। हमें गाढ़ा बैटर रेडी करना है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ पर विस्कर की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। बेसन यूज करने से पहले हमेशा बेसन को छान ले, इससे जो हम घोल रेडी करेंगे उसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी। बेसन को हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। हमने बैटर को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब हमारा जो बैटर है उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। हमारी जो मेथी है वो थोड़ी नरम हो गई है। अब हम इसमें हमारा जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है उसे डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच सफेद तिल ले ली है। इसे हमें आधा डालना है, आधा हम बाद में डालेंगे। 1/2 चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ मेथी से पकौड़े बना रहे हैं। आप चाहे तो मेथी की जगह पालक का भी यूज कर सकते हैं। हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम थोड़ा पानी डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब मैंने इस तरह से ग्लास ले लिए हैं। ग्लास को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से ग्लास को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो तिल बचा के रखी थी उसे हम ग्लास में डाल देंगे। तो हमें इसके कॉर्नर से इस तरह से तिल को डालना है। इस तरह से मैं दोनों ग्लास में तिल को इस तरह से डाल दूंगी। अब हमने इस तरह से ग्लास में तिल डाल दिया है। अब हम जो बैटर है उसे डाल देंगे। तो हम बैटर लेंगे और इस तरह से चम्मच से ग्लास में बैटर को डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। हमें गिलास को सिर्फ इतना भरना है। अब हम दूसरे भी गिलास को भर लेंगे। अब हमने गिलास को भर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में रख देंगे। अब हम कढ़ाई में गिलास को रख देंगे। अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। 15 मिनट बाद हमने इसे निकाल दिया था। अब ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। हमारा जो बैटर था वो काफी फूल गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हम एक नाइफ लेकर ग्लास में इस तरह से घुमा लेंगे, जिससे हमारा जो बैटर है वो ग्लास को आसानी से छोड़ दे। अब हम इसे पलट लेंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में पलट लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी निकाल लेंगे, और आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल भी ग्लास को चिपका नहीं है, ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। अब मैंने इस तरह से इसे निकाल लिया है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो हम एक शार्प नाइफ की मदद से इसे कट करेंगे। तो हम इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे निकाल लेंगे। मैंने इन्हें इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इन्हें पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह से आप भी सारे पीसेस को कट कर ले। अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमने जो पीसेस कट करके रखे हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम पीसेस डालेंगे। जितने पीसेस हमारी कढ़ाई में आसानी से आ सके हम उतने पीसेस में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये नीचे से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो मेथी के पकौड़े हैं नीचे से इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से पलट कर सेक लेंगे। हमें मेथी के पकौड़ों को दोनों तरफ से अलट पलट करके अच्छे से फ्राई करना है। अब हमने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो हमने इस तरह से पकौड़े रेडी कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसे गर्मा गर्म टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी पकौड़े हैं। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। हमने इसे मेथी से बनाया है इसलिए ये बहुत ही हेल्दी भी है और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जरूर बनाकर ट्राई करें। तो आपको मेरी आज की मेथी के पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।